नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई के लिए राजी हो गया है। ये याचिका कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने गलत तरीके से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसमें आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने लोगों के लाखों करोड़ ठगे हैं। मामले को पहले सूचीबद्ध करने के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 24 फरवरी की तारीख तय की, लेकिन वकील ने बताया कि इसी तरह के दो अन्य मामले 17 फरवरी को सूचीबद्ध हैं। फिर सीजीआई ने याचिका को अन्य दो याचिकाओं के साथ टैग करने पर सहमति जता दी। बता दें, याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की देखरेख और निगरानी में सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सेबी, आरबीआई जैसी जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की गई है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर दो अन्य जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है। हालांकि इन याचिकाओं में हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स की रेट को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। ममता बनर्जी ने इसको भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सीएम बनर्जी ने कहा, बीबीसी पर आईटी सर्वे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक दिन भारत में कोई मीडिया नहीं होगा। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आज बुधवार को भी तलाशी का काम जारी है। आयकर विभाग ने कल मंगलवार से दोनों दफ्तरों में तलाशी अभियान शुरू किया था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी ने अपने सभी पत्रकारों और अन्य स्टाफ से कहा कि वो अपने अपने घरों से काम करें। वर्ल्ड मीडिया ने आरोप लगाया है कि गुजरात जनसंहार 2002 पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद भारत सरकार ने ये कार्रवाई बीबीसी पर की है। बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की भूमिका को मुख्य मुद्दा बनाया है। एनडीटीवी के मुताबिक बीबीसी ने अपने भारतीय कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा है कि कर्मचारी व्यक्तिगत आय पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने से बच सकते हैं, उन्हें वेतन से संबंधित अन्य सवालों का जवाब देना चाहिए। भारत में बीबीसी दफ्तरों पर आईटी रेड को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका सर्वे से वाकिफ है, लेकिन वो निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। हम मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करना जारी रखते हैं, जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। सपा नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। विधानसभा ने अब्दुल्ला की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। बता दें, हाल ही में मुरादाबाद के छजलैट थाने में चल रहे एक मामले में अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। ये मामला 15 साल पुराना था, जिसमें ट्रैफिक ब्लॉक करने का केस था। इसी मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद ही कहा जा रहा था कि अब अब्दुल्ला की विधायकी पर खतरा बनाया है। बता दें, इससे पहले आजम खान की विधायकी भी ली जा चुकी है, उनकी सीट भी रिक्त घोषित कर दी गई थी और बाद में चुनाव करा गया था। चुनाव में सपा ने धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली, कुछ लोग इसको आजम खान परिवार को राजनीति से किनारे करने की मुहिम के तौर पर देख रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए कल गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री से लेकर छुटभैये नेताओं को प्रचार में जिस तरह उतारा, उससे इस राज्य के चुनाव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। त्रिपुरा में पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। राज्य में 3,328 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां बीजेपी ने 2018 के चुनाव में 25 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया था। कुल 259 उम्मीदवार चुनावी दौड़ में हैं, जिनमें सिर्फ 20 महिलाएं हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और CPM कांग्रेस गठबंधन के अलावा पूर्व शाही वंशज प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा के नेतृत्व में नवगठित टिपरा मोथा के बीच मुकाबला है। टिपरा मोथा ने राज्य के लोगों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरा लैंड के लिए लड़ने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC भी मैदान में है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और वामदल के गठबंधन के बाद से 60 सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल हो गया है। हालांकि असली हाल तो नतीजे के बाद पता चलेगा। मिजोरम ने समान नागरिक संहिता यानी UCC का विरोध किया है। इसने मंगलवार को इसके विरोध में प्रस्ताव पास करते हुए दावा किया कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से देश का विघटन हो जाएगा यानी टूट जाएगा।
मिजोरम के गृहमंत्री लालचा मलियाना ने देश में यूसीसी को करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार के गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी को मुख्यमंत्री जोरमथांगा की अध्यक्षता में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव लाने का संकल्प लिया गया था। गृहमंत्री ने कहा कि UCC अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को समाप्त कर देगा। लालचा मलियाना ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अगर UCC को अधिनियमित किया जाता है तो देश को विघटित कर देगा, क्योंकि यह धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की संस्कृतियों और परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास है। असम में बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बाल विवाह के 4 अलग अलग मामलों में 9 लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि इन मामलों में जो कार्रवाई सरकार कर रही है उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे की जा सकती है। कथित तौर पर बाल विवाह करने वाले करीब 3,000 से अधिक लोगों को अब तक पूरे असम में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों को अस्थायी जेलों में रखा गया है। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम विशेष के लोग हैं। इन गिरफ्तारियों का राज्य की महिलाओं ने विरोध किया और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले की गिरफ्तारी की निंदा की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमन श्याम ने कहा, ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो। इसमें पॉक्सो के आरोप क्या हैं? इसका क्या मतलब है कि आप पॉक्सो लगा देने मात्र से जज ये ना देखे कि आखिर ये मामला क्या है? आप ऐसे मामलों में पॉक्सो कानून कैसे लागू कर सकते हैं? बहरहाल हम इन मामलों में जमानत दे रहे हैं, किसी को बरी नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपको जांच करने से नहीं रोक रहा है, लेकिन आपको बताना होगा कि इन मामलों में पॉक्सो एक्ट कैसे लग सकता है, क्या यहाँ बलात्कार का आरोप है? आपके यानी कि राज्य के आरोप बहुत अजीब हैं, क्या किसी महिला ने शिकायत की है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा, ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं, आप कानून के अनुसार आगे बढ़ें, चार्जशीट दाखिल करें, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। आपकी कार्रवाई लोगों के निजी जीवन में तबाही मचा रही है। बच्चे हैं वहाँ, परिवार के सदस्य हैं और बूढ़े लोग हैं। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में लोगों की खराब सेहत के लिए बाल विवाह को जिम्मेदार बताया और इसी के मद्देनजर उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया था। राज्य पुलिस ने 3 फरवरी को 4,000 से अधिक पुलिस मामलों के साथ बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में BJP को सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में BJP को 614 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 95 करोड़ रुपए डोनेशन में मिले। BJP ने बताया कि उसे यह रकम 4,957 डोनेशन से हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने बताया कि उसे यह रकम 1,255 डोनेशन से मिली है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस, NCP, CPI, CPIM, NPEP और AITC को मिली डोनेशन से 3 गुना ज़्यादा डोनेशन BJP को मिला है। वहीं बसपा ने बताया कि 2021-22 में उसे 20,000 रुपये से ज़्यादा डोनेशन नहीं मिला। राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाली डोनेशन 2021-22 में 31% बढ़कर 187 करोड़ तक पहुँच गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के अच्छे देशों में विचारों की भीड़ होती है। एक विचारधारा या एक व्यक्ति किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता है। भागवत नागपुर में राजरत्न पुरस्कार समिति के पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे। भागवत ने कहा कि एक व्यक्ति, एक विचार, एक समूह, एक विचारधारा किसी देश को बना या बिगाड़ नहीं सकती है। PTI के मुताबिक उन्होंने कहा कि दुनिया के अच्छे देशों के पास हर तरह के विचार होते हैं, उनके पास भी सभी तरह के सिस्टम होते हैं और वो सिस्टम की इस भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा, जिन देशों की स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ भी आपको अच्छे नेता मिल जाएंगे। इसका अर्थ है ये सभी कारण सहायक हैं, मुख्य बात समाज में गुणवत्ता और एकजुटता है। दिल्ली शराब घोटाले में CBI ने आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है। हालांकि वो आबकारी घोटाले मामले में आरोपी नहीं है, ये पूछताछ तिहाड़ जेल में हुई। ये जानकारी जैन के वकील ने दी है। PTI के मुताबिक जैन के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस संबंध में पिछले शुक्रवार को विशेष जज MK नागपाल के सामने एक अर्जी दी थी। अदालत ने CBI को अनुमति दे दी थी। जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद CBI ने सोमवार को नेता से पूछताछ की। सत्येंद्र जैन ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। वकील ने कहा कि CBI ने आपके संचार प्रभारी विजय नायर से भी पूछताछ की, जो कि शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब दिल्ली में एक और श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया।
दिल्ली में 24 साल के एक व्यक्ति साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या कर दी और उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार ने न्यूज चैनलों को बताया कि 9 फरवरी को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी, 10 फरवरी को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को मिलने के लिए बुलाया। 9-10 फरवरी को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों की बहस हुई। बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फोन के केबल से निक्की यादव का गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नियत से उसकी लाश को उनके खेतों में छोटा सा ढाबा था उसके फ्रिज में छुपा दिया गया। साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं आज दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में निक्की का पोस्टमार्टम होगा। CBSE की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई जो कि 5 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा के लिए 7,250 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं क्लास की परीक्षा 16 दिन होगी और 21 मार्च तक पूरी हो जाएगी, जबकि 12वीं क्लास की परीक्षा 36 दिनों तक चलेगी और ये परीक्षा 5 अप्रैल को पूरी होगी। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मडोली गांव में अवैध कब्जे को लेकर पुलिस की कार्रवाई में मां बेटी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया था। शव को परिवार को सौंपने के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर काफी विवाद हुआ। परिवार अंतिम संस्कार गांव में ही करना चाह रहा था, लेकिन प्रशासन किसी अप्रिय घटना के डर से अंतिम संस्कार के गांव से बाहर बिठूर में करना चाह रहा था। इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में पुलिस अधीक्षक के समझाने पर परिवार बिठूर में अंतिम संस्कार को राजी हुआ। मामले में SDM मैंथा, थाना प्रभारी रूरा, लेखपाल, कानूनगो अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, विशाल, JCB ड्राइवर समेत कुल 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। SDM पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जबकि लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अभी तक सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई हुई है, जबकि DM से लेकर तमाम आला अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। JCB ड्राइवर, लेखपाल, कानूनगो को गिरफ्तार करने से पीड़ित परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके सवाल उठ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।